Hey guys, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी ठीक तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है ना? जैसे कि AS1 है, AS2 है, AS3 है, इस तरीके से बहुत सारे ASs हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि अगर हम ASs को फॉलो करते हैं तो क्या इसका बेनिफिट्स होता है, क्या इसके फायदे हमें मिलते हैं जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं अपने अकाउंटिंग प्रोसीजर्स में, ठीक है ना? तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है लेना। आपको हमारे चैनल के ऊपर विजिट करना है, जिसका नाम है कॉमर्सी पाठशाला। आप कॉमर्सी पाठशाला यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको जाना है हमारे इस चैनल को, इस वाले जो आइकॉन है उसको देख करके आपको समझ में आ जाएगा। आपको चैनल पे जाना है और इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको तीन ऑप्शंस दिखेंगे, एनसीईआरटी, 11, 12, बीकॉम और एमकॉम। तो बीकॉम वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और आप फिर आपको ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आपको मेंबरशिप जो है ले लेनी है। यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। यहाँ पे आपको बहुत ही लो कॉस्ट में आपको नोट्स मिल जाएंगे, जिसको पढ़ करके आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाओगे। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा ऑन एनी टॉपिक यू वॉन्ट टू टॉक ऑन, चाहे वो कोई भी बात हो, आपके एडमिशन, आपकी री एडमिशन, आपकी फॉर्म फिलअप, इग्नोस से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। कोई भी डाउट आपके मन में है आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा। आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हो इन केस ऑफ नीड, और ये सारी बेनिफिट्स जो है आपको मिलेंगी, ठीक है ना? साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारा प्लेलिस्ट है, आपको दिख रहा होगा इग्नो बीकॉम न्यू। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर को लेकर के, थर्ड ईयर के भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। लेकिन अनअवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स के कारण अभी तक जो है मैंने स्टार्ट नहीं करा है उसके ऊपर वीडियोज बनाने, पर यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, जिनको आप देख करके बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। वीडियोज तो अभी अपलोड मैंने स्टार्ट कर दी है, स्टार्ट करनी अभी तक अच्छी खासी हो गई है, बस अपलोड करना बाकी। अपलोड करूंगा तो सब में नंबर जो है बहुत ही जल्दी बढ़ जाएंगे, है ना? तो यहाँ पे आकर के आपको सारे के सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, उसके अंदर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनको देख करके आप स्टडी कर पाओगे। तो बीसीओसी 131 से लेकर के 138, बीसीओसी बीसीओएलए 138, बीसीओएस 183 और 184, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है हम लोगों ने कवर करके रखे हैं और कर भी रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना? तो आप यहाँ पे आकर के स्टडी कर सकते हो। अब चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, जो की है बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो चलिए बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला बेनिफिट जो हमें मिलता है वो मिलता है स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग। मतलब हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो एक प्रोसीजर को फॉलो करके करते हैं, एक प्रॉपर रूल को फॉलो करके करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जनरली रूल्स लिखे हुए होते हैं कि किस तरीके से किसी ट्रीटमेंट को, किसी ट्रांजेक्शन को या किसी सिचुएशन को ट्रीट करना है, है ना? यहाँ पर जो अकाउंटिंग होती है वो बिल्कुल ही स्टैंडर्डाइज्ड होती है। परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द FASB, है ना, FASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो यहाँ पे बोला जा रहा है, स्टैंडर्ड सेटिंग फॉर बिजनेस इज यूनिफॉर्म सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इट प्रमोट्स, है ना? तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट है FASB का वो यही है कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम है इसका। ऐसा नहीं कि इंडिया के एक कोने में कुछ और नियम चल रहा है, दूसरे कोने में कुछ और नियम चल रहा है। आपको हर एक जगह पे सेम तरह का सिचुएशन मिलेगा, सेम तरह की कंडीशन मिलेगी, सेम तरह का आपको प्रिंसिपल का इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा, ठीक है ना? द FASB क्लियरली स्टेट्स दैट a generally accepted accounting principle that business must follow to avoid confusion. तो FASB का कहना है कि जो generally accepted accounting principles है, जिसे हम GAAP के नाम से जानते हैं, GAAP, उसको follow करना बहुत important है ताकि आपको किसी भी तरह का confusion ना हो या फिर उसको avoid किया जा सके. For example, the FASB prevents business from using one method for calculating inventory at the beginning of fiscal year, जो 1st मार्च से आपका स्टार्ट होता है, 31st मार्च तक चलता है, तो किसी भी फिस्कल ईयर के बिगिनिंग पे आपने सपोज कोई एक मेथड का इस्तेमाल कर रहा और फिनिशिंग मेथड पे के किसी और मेथड का इस्तेमाल किया तो वो नहीं चलेगा। आपको एक ही मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, जो मेथड आपने स्टार्टिंग में इस्तेमाल किया था वही मेथड आपको एंड में भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, वही बात यहाँ पे बोली गई है। FASB prevents businesses from using one method for calculating inventory at the beginning of the fiscal year and finishing the year with another method. तो ये आप नहीं कर सकते। Without the accounting standards set forth by the FASB, business would use accounting methods that portray financial data inaccurately to investors. है ना? तो बगैर FASB के, बगैर FASB एक अच्छे स्टैंडर्ड्स के, आप जो भी अकाउंटिंग डेटा अपने यूजर्स को दिखाओगे, इन्वेस्टर्स को दिखाओगे, उसको इनएक्यूरेट माना जाएगा, उसको एक्यूरेट नहीं माना जाएगा, तो वो एक तरीके से सही नहीं होता है। तो एक स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग जो है एक बेनिफिट है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का,
दूसरा पॉइंट है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं एंड देन उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो द FASB स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क अपॉन व्हिच द पोटेंशियल अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड, है ना। तो FASB एक तरीके से आपको स्टैंडर्ड एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है जिसके बेसिस पे आप अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करोगे या फिर जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स होंगे जो आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आप उसको आइडेंटिफाई करोगे और आप उसको करेक्ट करोगे। बिकॉज ऑल द बिजनेसेस इन द US यूज द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड एनी प्रॉब्लम इनएडिक्वेसीज इन द अकाउंटिंग प्रोसेस आर लाइक क्विकली आइडेंटिफाइड एंड रिपोर्टेड टू द FASB, है ना। तो US में भी सेम इसी तरह का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलता है, तो वहां पे भी जब भी किसी तरह का दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम नजर आती है, कोई इनएडिक्वेसी नजर आती है अकाउंटिंग प्रोसेस में, तो उसको तुरंत आइडेंटिफाई कर दिया जाता है और रिपोर्ट कर दिया जाता है FASB को, और FASB क्या करेगी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी। जैसा यहां लिखा हुआ है द FASB देन इन्वेस्टिगेट्स द प्रॉब्लम एंड इफ नीडेड, अगर उनको जरूरत पड़ती है, अगर उनको जरूरत दिखाई देती है, देन मॉडिफाइज और राइट्स अ न्यू अकाउंटिंग रूल फॉर द अकाउंटिंग प्रोसेस। तो वो चाहे तो रूल में थोड़ा सा चेंजेस कर सकती है और एक तरीके से नया रूल भी बना सकती है अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इफ बिजनेस फाइंड्स दैट रिपोर्टिंग अ सर्टेन टाइप ऑफ लायबिलिटी ऑन देयर इनकम स्टेटमेंट अनफेयरली लोअर्स देयर नेट इनकम, दे कैन अपील टू द FASB सो दैट इट कैन आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स विद द स्टैंडर्ड सेटिंग, है ना। तो सपोज एक बिजनेसमैन है जो कि एक तरीके से जब रिपोर्टिंग कर रहा है अपनी, तो लायबिलिटी जो है वो उसको एक तरीके से मतलब दिख रही है, लेकिन उसके कारण से जो उसका इनकम स्टेटमेंट है वो अनफेयरली कम शो कर रहा है उसके इनकम को, उसके जो नेट इनकम है उसको कम शो कर रहा है, लेकिन होना नहीं चाहिए, है ना। तो किसी एक सर्टेन टाइप की लायबिलिटी के कारण उसका इनकम स्टेटमेंट जो है नेट इनकम सही तरीके से शो नहीं कर पा रहा, अनफेयरली लो शो कर रहा है, तो उस केस में वो आदमी जो है FASB को अपील कर सकता है और FASB क्या करेगी उसको आइडेंटिफाई करके उसको स्टैंडर्ड सेटिंग के तहत जो भी चीजें करनी होती है वो करेगी वहां पे, है ना। प्राइवेट रेगुलेशन तीसरा पॉइंट है। द FASB इज अ प्राइवेट एंटिटी विद नो एफिलिएशन टू द US गवर्नमेंट। FASB का जो है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका किसी भी तरह का एफिलिएशन जो है US गवर्नमेंट के साथ नहीं है। डिस्पाइट दिस द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन रिलाइज ऑन द FASB टू गेट द अकाउंटिंग रूल्स दैट ऑल कंपनीज इन द US मस्ट फॉलो, है ना। तो इसके अलावा जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है वहां का US का, वो एक तरीके से पूरी तरीके से डिपेंडेंट है FASB के ऊपर कि जो भी वो अकाउंटिंग रूल्स क्रिएट करेंगे, है ना, उसको ही जो है फॉलो करना पड़ेगा US की सारी कंपनीज को, है ना। द SEC कैन टेक्निकली क्रिएट अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड और गवर्नमेंट एजेंसी टू सेट अकाउंटिंग रूल्स। यहाँ पे SEC जो है वो एक तरीके से टेक्निकली क्रिएट कर सकती है अकाउंटिंग ओवरसाइट को, जो कि गवर्नमेंट एजेंसी क्रिएट कर सकती है जो कि अकाउंटिंग रूल्स को एक तरीके से सेट करेगी बनाएगी। However, using the FASB eases the burden of US government. जब आप US FASB का इस्तेमाल करते हो तो US government के ऊपर जो burden बनता है उसमें कमी आती है, मतलब उनको थोड़ा सा आराम मिलता है, राहत मिलती है, and let the private sector dictate accounting rules. और यहाँ पे private sector जो है accounting rules को dictate करते हैं. So this is the third benefit that we will get if we will apply the accounting standards. So these three points we have done. So there is one more point left. एक और point बाकी है जो कि है international accounting standard. Now the FASB is advantageous because it actively promotes an internationally recognized set of accounting rules. है ना? तो FASB जो होता है वो बहुत ही ज्यादा advantageous है, मतलब बहुत ही ज्यादा उसमें लाभ होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो वो चीज प्रमोट कर रहे हैं, जो चीज वो फैला रहे हैं, वो एक तरीके से internationally recognized accounting rules होते हैं, है ना। जो अकाउंटिंग रूल्स पूरी दुनिया में चल रहे हैं वो उसी को प्रमोट कर रहे हैं, है ना। तो एक तरीके से बेनिफिट जो है FASB हमें प्रोवाइड करता है क्योंकि हर एक जगह पे सेम तरह का रूल चल रहा है। ग्लोबलाइजेशन हैज डीपली कनेक्टेड फॉरेन फाइनेंस मार्केट्स। अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ अकाउंटिंग रूल्स वुड मेक फाइनेंशियल रूटीन मोर एक्यूरेट एंड फेयर बिटवीन कंट्रीज, है ना। तो एक स्टैंडर्ड अगर बना हुआ रहेगा अकाउंटिंग रूल्स में, तो उसके कारण से जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होगी और कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है या फिर अलग तरह की एक्टिविटीज होती है उसमें किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी नहीं पाई जाएगी और फेयर होगा हर एक कंट्री के लिए, ट्रेड जो है बहुत ही ज्यादा फेयर होगा। वन ऑफ द गोल्स ऑफ द FASB इज टू मेक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मोर यूनिफॉर्म ग्लोबली
विद द कोऑपरेशन ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, है ना। तो जो एफएएसबी का जो मेन गोल है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि पूरी की पूरी दुनिया में एक जो है रिपोर्टिंग का जो तरीका है वो यूनिफॉर्म हो, मतलब एक किस्म की रिपोर्टिंग हो जिसका फायदा जो है सभी को मिल सके। और ये क्या करती है, ये कोऑपरेशन के साथ काम करती है। किसके साथ कोऑपरेशन करके काम करती है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड के साथ मिल करके रिपोर्टिंग का जो यूनिफॉर्मिटी है उसको फैलाने की कोशिश करती है पूरी दुनिया में। सो दीज आर द बेनिफिट्स दैट वी विल गेट इफ वी विल अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन आवर बिजनेस। सो बेनिफिट्स हम लोगों ने कर लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय। थैंक यू।